कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन, सुने कभी आपने कैपिलरी एक्शन क्या होता है? सुना है, आईसीएसई से हो, उसमें सुना है। तो फिर क्या होता है कैपिलरी एक्शन? कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें कैपिलरी एक्शन लगता हो? थर्मोमीटर, वो तो मैं बुखार होगा ना मेरे को, मेरे टेम्परेचर बरकरी फैल जाएगी ना ना। प्लांट्स में लगता है, बायोलॉन को पढ़ाते हैं प्लांट्स में, कुछ कह सकते हो ना ना। 760 mm कैपिलरी एक्शन नहीं है वो, तो उसका वो है प्रेशर है, कुछ हद तक लगता है। पर एक प्रॉब्लम है, आप देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ। आपको पहला एग्जांपल देता हूँ मैं, प्लांट्स के अंदर ही है। आप जो पेड़ है, देखो तो पानी ऊपर टहनियों तक भी जाना है, वो कैसे जाना है? वो कोई मोटर थोड़ा लगी हुई है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी पानी को चढ़ना है। अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होगा, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पानी को ऊपर लेके जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, आप कोई दिया जला लो, वो कॉटन तेल में, ऑयल में कॉटन डाल दो, आप देखेंगे थोड़ी देर में कॉटन गीली हो जाती है, क्योंकि वो पूरा धीरे 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 पानी जो है वो, या ऑयल जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है। और देखो दिया जलता भी है, ये तो है नहीं कि कॉटन में नहीं जाता, हम थोड़ा डुबो तो देते हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी हो, पर अदरवाइज ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप एक कैपिलरी ट्यूब ले लें, कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली है, आप उसको पानी में डाल दें, आप थोड़ी देर में ये देखेंगे कि उस कैपिलरी ट्यूब जो बहुत पतली ट्यूब है, पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ा दिखेगा आपको। अब आज हमने यही पढ़ना है कि ऐसा कैसे हुआ। अगेंस्ट ग्रेविटी अगर चीजें चलती तो मोटर की जरूरत क्या थी? ऐसे भी पाइप लगाओ ना एकदम पानी ऊपर, फिर फुहारे लगाने की जरूरत क्या थी? पाइप लगा दो, पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इतना भी नहीं है, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता है, और वो भी तब अगर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है तो। अगर वो भी नहीं है फिर वो भी नहीं चढ़ेगा। तो कैपिलरी एक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे, इसमें वाटर है, अगर ट्यूब पतली है तो देख रहे हो पानी यहां तक चढ़ा हुआ है, ट्यूब मोटी है पानी यहां तक चढ़ा हुआ है, ट्यूब और मोटी है पानी यहां तक चढ़ेगा, ट्यूब और मोटी है चढ़ेगा ही नहीं। अब उसको रीजन बताता हूँ, देखो अगर जितनी बड़ी ट्यूब है, इतने अमाउंट ऑफ पानी को, लीटर्स को पानी को ऊपर चढ़ाना, अगेंस्ट ग्रेविटी का वेट बढ़ जाएगा ना, तो आसान नहीं है वो ऊपर चढ़ना, हल्के वेट ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर चढ़ सकता है, तो इसलिए पतली ट्यूब के अंदर ये अफेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक, अब दूसरी चीज इसमें फिनोमिना, और हाँ दूसरी चीज मरकरी, आप एक काम करें मरकरी का भरा हुआ ये टब ले लें और बीच में ट्यूब डाल दें, और कैपिलरी एक्शन वेट करें कि चलो ठीक है कैपिलरी एक्शन है और इसमें मरकरी ऊपर चढ़ेगी, बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ेगी, मरकरी ऊपर नहीं चढ़ती, मरकरी नीचे गिरती है। देखो ऊपर चढ़ने के लिए तो ग्लास और पानी के मॉलिक्यूल में दोस्ती चाहिए, ग्लास खींचेगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, जहाँ दुश्मनी है वह मरकरी, मरकरी की कि फोर्स इतनी ज़्यादा है, कंटेनर से बात ही नहीं करना चाहती वो, तो कंटेनर खींचेगा कैसे? क्योंकि खींचेगा तो फोर्स ऑफ एडहेशन ही खींचेगी। तो मरकरी ऊपर तो छोड़ो, अगर आप मरकरी को इसमें डाल दें, ये लाइन देख रहे हैं मरकरी की, यहाँ तक भी नहीं रहेगी मरकरी, इससे भी नीचे गिर जाएगी। और तुमने ये सोचा अगर चलो मैं ऊपर से मरकरी डाल देता हूँ, तुम डाल लो, ऊपर राइज हो जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी, साइड से मरकरी निकाल देगी पर राइज तो कभी भी नहीं करेगी, मरकरी हमेशा क्या करती है? फॉल करती है। तुम थोड़ा ऊपर भी कर दोगे तब भी नीचे गिर जाएगी, इस लेवल से भी नीचे गिर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं, कि एक्चुअल में ये ऊपर चढ़ा क्यों? नीचे गिरना तो समझ में आता है, वेट है जी, बंदा सोचता है, लेकिन इसमें सरफेस टेंशन की फोर्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो फिनोमिना ऑफ राइज या फॉल दोनों चीजें हैं, राइज भी है और फॉल भी है, नॉर्मल लेवल नहीं है। ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग इज नोन एज कैपिलैरिटी। तो ये कैपिलरी एक्शन है, और इसको अब आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है।